बोलिए बोलिए सोडी भाई, क्या बात है सोडी भाई, पक्का पक्का मैं और नटू काका जरूर आ जाएंगे। नहीं नहीं सोडी भाई, वो बावरी जी तो अपने मम्मी पापा से मिलने कानपुर गए हैं, वो नहीं आ पाएंगे। हाँ नहीं नहीं, मैं और नटू काका पहुंच जाएंगे। हाँ पक्का पक्का, थैंक यू सोडी भाई, थैंक यू। व्हाट हैपेंड नटू काका? कल श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जन्म जयंती है और इस शुभ अवसर पर गोकुलधाम सोसाइटी में कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है, तो सोडी भाई ने आपको और मुझे खास इनविटेशन दिया है। अरे वाह वाह वाह, कितने बजे? कल सुबह से। कल सुबह से? इसका मतलब कल सेठ जी छुट्टी रखेंगे, क्योंकि सेठ जी को भी सोडी भाई ने इनवाइट किया होगा ना? किया होगा ना। अरे नटू काका, सोडी भाई सेठ जी की वजह से तो आपको और मुझे जानते हैं, तो सेठ जी को तो सबसे पहले इनविटेशन दिया होगा। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। हमको मिलेगी कल दुकान में छुट्टी, दुकान ना आना है, सोसाइटी जाना है, मिलके करेंगे हम सब कीर्तन। क्या हो रहा है दुकान में? किस्मत का सेलिब्रेशन हो रहा है? कल की छुट्टी का सेठ जी। छुट्टी? कल किस्मत की छुट्टी है? सोडी भाई ने कल गोकुलधाम सोसाइटी में कीर्तन रखा है ना, उस बात की। लोगों को कीर्तन के बारे में कैसे पता चला? अभी सोडी भाई का ही फोन आया था, उन्होंने हम दोनों को खास इनविटेशन दिया है। ये बोलो, ये सोडी भी गजब है। कल रात को उसने मुझे बोला कि आप नटू काका भगा को बोल देना, अभी उसने फोन करके बोल दिया। सेठ जी, आप भी वहाँ कीर्तन में होंगे ना? हाँ हाँ। बस तो भगा, कल की हमारी छुट्टी पक्की। ओ नटू काका, छुट्टी मतलब कल पूरे दिन की छुट्टी नहीं है भाई? What? क्या what क्या? नटू काका बोल रहे हैं what? मतलब क्या? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो कीर्तन तो सुबह ही है नटू काका, फिर कीर्तन के बाद हम सीधा दुकान ही आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि हम लोग खामोखा खुश हो रहे थे। इट्स ओके नटू काका, काम है तो जहान है। हाँ वो बराबर है बागा, बट यू नीड ब्रेक इन बिटवीन टू रिजुविनेट। क्या क्या जू जू? क्या जू? नहीं, नटू काका कह रहे हैं कि काम है तो अच्छा है, लेकिन बीच में थोड़ा ब्रेक भी मिलना चाहिए ना, मतलब छुट्टी भी मिलनी चाहिए। हाँ तो रविवार की छुट्टी तो मिलती है ना, और कितनी छुट्टी चाहिए? हमारे देश में सबको बस छुट्टी ही चाहिए, किसी को काम नहीं करना है। सेठ जी, आपके प्रेरणादायी बात सुनकर मेरे मन में एक विचार आया है, बता सकता हूँ? जरूर जरूर बताइए। हम रविवार को भी दुकान चालू रखे तो नो छुट्टी। What? अरे बाप रे, नटू काका ने तो जोरदार गुगली फेंकी, कुछ करना पड़ेगा। नटू काका, आपका विचार तो जाने बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है कि रविवार को अगर हमने दुकान चालू भी रखी ना, तो बाघा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसको एक ही दिन मिलता है ना बेचारे को बावरी जी से मिलने के लिए, तो नहीं आएगा। और वो नहीं आएगा तो फिर मगन खड़ा हो जाएगा, ऐसे बाघाला छोटे हमारा छोटे ना, वो भी नहीं आएगा, तो फिर पूरा काम का बोझ आपके ऊपर आ जाएगा। और ये उम्र में इतना काम का बोझ आप पे डालना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए रविवार की छुट्टी भले रही। बराबर है सेठ जी, नटू काका बराबर है। सेठ जी, आज शाम को मैं थोड़ा जल्दी जा सकता हूँ? क्यों, कहाँ जाना है? बावरी से मिलने? नहीं नहीं नहीं, बावरी जी तो अपने मम्मी पापा से मिलने कानपुर गए हैं। तो फिर शाम को जल्दी कहाँ जाना है? गोकुलधाम सोसाइटी। क्यों? वो कल सोडी भाई ने कीर्तन का कार्यक्रम रखा है ना, तो मैंने सोचा अगर उनको कोई मदद की जरूरत हो तो उनका थोड़ा हाथ बटाऊं, क्या है इसी बहाने मेरी थोड़ी सेवा हो जाएगी। तेरा विचार तो अच्छा है, लेकिन एक बार छोटी से पूछ लेता हूँ, क्योंकि वहाँ जाके फिर पता चला कि कोई काम है ही नहीं, काम का धक्का हुआ तो अच्छा नहीं होगा ना इसके लिए। एक मिनट, स्पीकर पर रखता हूँ। कितना करना है? हाँ अरे जेड़ा, हाँ जेड़ा बोलो। हाँ छोटी, अरे वो कीर्तन के कार्यक्रम के डेकोरेशन में अगर कुछ मदद की जरूरत हो तो भागा आ जाएगा। हाँ
नहीं नहीं जेठा बड़ा, अभी भागने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ, अब्दुल है, पेड़ो है, अपनी महिला मंडल है और टपू सेना भी है, तो कोई जरूरत नहीं है। और अगर कोई जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है छोटू, ठीक है, ओके जी। अरे अब्दुल वाह, ये बहुत बढ़िया रंग से बना दिया, इसको सेट करके रख दे, ठीक है? ना ना, वहाँ तो जरूरत नहीं है। फिर भी तुझे सेवा करने की इतनी प्रबल इच्छा हो रही है तो काम करना ना। हमारी दुकान में जो भी कस्टमर आए वो सबकी सेवा करना है। यस, वर्क इज वर्शिप, कम बागा जी। और दोस्तों आप लोगों ने एक बात नोट की, डेकोरेशन कितना सुंदर लग रहा है और कितना सादगीपूर्ण है। ये बात फिर से तय हो गई कि सादगी में ही सौम्यता है, सुंदरता है। सही बात है। वेरी गुड टप्पू सेना, थैंक यू, थैंक यू। वैसे डेकोरेशन का फाइनल टच बाकी है जो आपको कल सुबह कीर्तन में देखने मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, पापा कल कीर्तन के लिए कोई और तैयारी करनी है? और गोगी पुत्ता, सारी तैयारियां हो गई हैं, स्टेज बन गया है, सारी सजावट हो गई है, और तो और मेरे दोस्तों ने रागी जत्ते से बात भी कर ली है। मैंने तो कीर्तन में पहनने के कपड़े की भी तैयारी कर ली है। वो तो हम सबने कर ली है, नहीं कहा? हाँ बिल्कुल। अरे पाजी तुसे फिक्र ना करो, कल ते 80 सारे पंजाबी सूट पाकर थोड़े नाल रल मिल जाएंगे। अब तो बस तैयार होकर कल सुबह भक्ति के सागर में डूबना बाकी है। वाह वाह बापू जी। हे वाहेगुरु अकाल पुरख, कल अपनी मेहर रखी, कल किसी भी तरीके की कोई भी स्पीड ब्रेकर ना लगे। बोले सोने वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बोल बोल बल्लू वीरे, की हालचाल? ओए अस्सी तां बल्ले बल्ले, बाकी सारे थले थले। तुसी दसो सोडी भरा, की हालचाल? ओ कैसे चल रही है कीर्तन दरबार की तैयारियां? ओ वीरे सारी तैयारियां हो गई हैं, बस एक बात का ध्यान रखना, कल रागी जत्थे के साथ सही टाइम पे पहुंच जाना। ओ तुसी फिकर नॉट जी, और रागी जत्था टाइम सिर पहुंच जाएगा छाती ठोक के, और मेरे लायक कोई सेवा हो तो दसो। ओ तुम्हारे लायक सेवा है कि तुसी भी सब परिवार सही टाइम पे पहुंच जाना। ओ जी पहुंच जाएंगे जी, पहुंच जाएंगे, वक्त से पहले ही पहुंच जाएंगे। और बताओ छोटी भरा, और लंगर की तैयारियां कैसे चल रही है? उत्तरी लंगर की तैयारी करना तो मैं भूल ही गया। बलवीर बहुत सारे काम पेंडिंग ने, ते असी कल मिलने हां। रब राखा। रब राखा। पर छोटे रोशन रोशन, वो कीर्तन के बाद जो हम लंगर बरताते हैं उसकी तैयारी करनी तो भूल ही गए। सॉरी, अच्छा लंगर भी है क्या? तुमने कीर्तन के लिए तो एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन लंगर के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया ना? अरे नहीं चाचा जी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, परमिशन तो है ही सोड़ी, मैं खाली इतना बोल रहा हूँ कि जैसे तुमने वो एप्लीकेशन दिया है ना कीर्तन के लिए, वैसे लंगर का सेपरेट एप्लीकेशन दे देना बाद में। और हाँ, पंजाबी में मत देना, हिंदी में लिख के देना। ओ पिड़ू, इधर मुझे लंगर की चिंता हो रही है, वो तुझे अपनी एप्लीकेशन की पड़ी हुई है यार। सेक्रेटरी मतलब माजा काम ही करना कि नहीं? अरे पर ये लंगर होता क्या है? पिंकू, कल हमारे यहाँ कीर्तन का प्रोग्राम है, तो कीर्तन में सात संगत आती है, कीर्तन के प्रोग्राम के बाद सात संगत को खाना खिलाते हैं, उसे हम लंगर कहते हैं। लेकिन सोड़ी अंकल, मुझे पता नहीं चल रहा है आप खाना खिलाने का इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, हम लोग होटल से मंगा लेंगे ना। ओ पुत्र ऐसा नहीं कर सकते, लंगर एक सेवा है और सेवा को खुद ही अपने हाथों से करना पड़ता है। मतलब लंगर का सारा खाना खुद ही बनाना पड़ता है? हाँ पुत्र। मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि इतने कम टाइम में इतने सारे लोगों के लिए इतना सारा खाना कैसे बनाएंगे।
वाहिगुरु मेर घर कोई रास्ता काट। सोड़ी भाई रोशन भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गोकुलधाम महिला मंडल आपके साथ है, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, है ना? हाँ हम सब रात भर जाकर लंगर बनाएंगे। हाँ रोशन आंटी डोंट वरी, टप्पू सेना भी आपके साथ है। हाँ और लंगर बनाने में मैं भी मदद करूंगा बापू जी। अरे चाचा जी पर हमारे होते हुए आपको तकलीफ लेने की क्या जरूरत है? अरे बबीता बेटा इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। अरे मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है तो वो मैं क्यों छोड़ू है? अरे ऐसा मौका तो नसीब वालों को ही मिलता है और मैं तो कहता हूँ ऐसा मौका किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों जेठिया? बिल्कुल बापू जी बिल्कुल, मैं भी ये मौका छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी सेवा करूंगा लंगर बनाने में। हम भी हाथ बटाएंगे भाई, बिल्कुल हाथ बटाएंगे। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हम पुरुष मंडली की ओर से घोषणा करता हूँ कि लंगर बनाने में हम सब आपका हाथ बटाएंगे। अरे एक मिनट, अरे आप लोगों ने जरा ये सोचा कि इतने सारे लोगों के लंगर के लिए दाल चावल आटा सब्जी ये सब इस वक्त कहाँ से मिलेगा? और लंगर के लिए तो टेबल कुर्सी का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा ना, वो कहाँ से करेंगे? गोली पुत्र लंगर में टेबल कुर्सियां नहीं रखते हैं, वो पंगत में बैठ के खाया जाता है। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब जी के टाइम पे भी जब अकबर बादशाह उनके पास आए थे तो उन्होंने पंगत में बैठकर ही लंगर छका था और आज भी वो लंगर की परंपरा चलती आ रही है। फिर तो सोड़ी भाई कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, दाल चावल तेल घी मसाला और खीर के लिए दूध का इंतजाम तो मैं कर दूंगा, लेकिन वो सब्जी और आटे का बंदोबस्त मैं नहीं कर सकता। कमॉन आटे का बंदोबस्त भी हो जाएगा, हम सब अपने घर से आटा लाएंगे, मेरे खुद के घर में 30 किलो आटा फ्रेश यूं का यूं पड़ा है। सही बात है, और मैंने भी कल 20 किलो गेहूं पिसवाए है और इस्तेमाल भी नहीं किया है अभी तक उसको। लो चलो, मतलब आटे का बंदोबस्त भी हो गया। और अब बची सब्जी तो वो तो अपनी सुनी तक कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके दे ही देगी, इसे कहते हैं रब्दी महल। देखा हो गई ना सारी व्यवस्था। पर एक बात का हमको ध्यान रखना है, जो भी हम चीज लेके आएंगे वो सच्ची सुच्ची हो, घर पे यूज ना हुई हो। पर हाँ लंगर बनाने के लिए हमें बड़े बर्तनों की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। ओ बबीता जी उसी तुसी चिंता ना करो, मैं भी मलाट गुरुद्वारा साहब में फोन कर देता हूँ, जितने बर्तन चाहिए वो सब आ जाएंगे। तो छोटी एक काम कर, तो गुरुद्वारा में फोन करके बोल दे और मैं बाका को फोन करके बोल देता हूँ, तो वो वहाँ से बर्तन लेके आएगा। करेक्ट है चिटपरा। रोशन तू भी सुनीता सब्जी वाली को फोन करके सारी सब्जियां मंगवा ले। हाँ। बस अभी करती। मैं बागा को बोलता हूँ। हाँ। हेलो। हाँ हेलो बागा। बागा नहीं सेठ जी, नटू काका बोल रहा हूँ। क्यों बागा कहाँ है, बाथरूम गया? बाथरूम तो पहले गया था, अभी वो मेरे फोन से बावरी से बात कर रहा है। क्यों आपके फोन से क्यों बात कर रहे हैं? वो क्या हुआ, वो अपने फोन से बावरी से बात कर रहा था तो बात करते करते बागा का फोन स्विच ऑफ हो गया, बैटरी डाउन, तो उसने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया और मेरे फोन से बावरी को फोन लगाया। तो इस तरह समझ गया भाई, जरा दो मिनट उसको फोन दो, मुझे काम है जरा। एक मिनट सेठ जी। बागा एक मिनट है बावरी जी। जी नटू काका। सेठ जी कॉलिंग। उनसे कहिए बावरी जी के साथ बात करने के बाद एक दो मिनट में उनको कॉल बैक करता हूँ। अरे नटू काका उसको बोलो अर्जेंट है भाई। बागा सेठ जी बोलते हैं अर्जेंट है, क्या बोलू? अरे क्या आप भी क्या नटू काका, क्या क्या बोलू भाई, उसको बुलाओ ना भाई, जरा फोन दो जरा उसको जल्दी। बागा इट्स वेरी अर्जेंट। बावरी जी मैं सेठ जी के साथ बात करने के बाद आपको 2 मिनट में वापस फोन करता हूँ। हाँ 2 मिनट। हाँ सेठ जी अभी फोन स्पीकर पे है। हाँ बोलिए बोलिए सेठ जी। हाँ बागा आप फिकर मत कीजिए सेठ जी,
सोडी भाई को बोल दीजिए कि वहाँ गुरुद्वारा में बोल दे। और हाँ, सोडी भाई को ये भी बोलना कि मुझे वहाँ जाके किसको मिलना है, वहाँ का फोन नंबर, सारी डिटेल जरा मुझे मैसेज कर दे, मैं ले आऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। हाँ वो ले आएगा। तूने बोल दिया गुरुद्वारा में? हाँ जेठा बड़ा, मैंने बोल देता। हाँ तो खाली वहाँ जाके किनको मिलना है उनका नाम और नंबर जरा भागा को मैसेज कर देना। मैं अभी कर देता हूँ। रोशन, मेरी सुनीता से बात हो गई है, हमको जो जो सब्जी चाहिए और जितनी सब्जी चाहिए वो बस थोड़ी देर में लेकर आ जाएगी। वाह वाहिगुरु जी, थैंक यू। ओ, कर देता मैसेज। आ गया सोडी भाई का मैसेज। ओ वाहिगुरु अकाल पुरख, तेरा लाख लाख शुक्र है। बिना वजह टेंशन ले रहा था सोडी भाई। रोशन भाभी, आपने जो जो सब्जियाँ मंगवाई थी ना वो मैं सब लेके आई है। थैंक यू सुनीता, इतनी रात का तू इतनी सारी सब्जियाँ लेकर आई। हाँ ठीक है, और हाँ कल सुबह कीर्तन में चक्कर आना। मैं नक्की आएगी। ये सब्जियाँ तो आ गई लेकिन बागा भाई बर्तन लेके नहीं आया अभी तक। नहीं हाँ जेठा, बागा को फोन करके पूछ कहाँ पहुँचा। हाँ बाबूजी। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ बागा कहाँ पहुँचा तू भाई? अरे हम लोग सोसाइटी कंपाउंड में आ गए हैं, लेकिन आप लोग कहाँ हो? हाँ हम लोग क्लब हाउस में, इधर आजा। ठीक है सेठ जी। वो आगे इधर कंपाउंड में ही है। नट्टू काका। हाँ सेठ जी ने कहा ये सारे बर्तन ऊपर क्लब हाउस में ले जाने हैं। ओके बेटा, मैं जाता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे। हाँ हाँ हाँ, आप जाइए नट्टू काका। हाँ। आप जाइए। सेठ जी, लंगर बनाएंगे कहाँ? अरे कहाँ मतलब ये क्लब हाउस में। बच्चों अब्दुल की दुकान पे जाओ और जो जो सामान लाना है ना वो सब लेकर यहाँ आ जाओ। अभी लाया मैं। अब्दुल तू सारा हिसाब किताब लिख के रखना, कल मैं सब क्लियर कर दूंगा। क्या छोड़ी भाई, आप भी ले लेंगे ना बाद में आराम से। चलिए चलिए। हाँ आप भी चलिए ना मेरे साथ, आटा लेकर आते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो हम भी आटा लेकर आते हैं। ओ प्रो माधवी भाभी थैंक यू, आदि भाई कोमल भाभी थैंक यू। मित्रों गलती किसी से भी हो सकती है, भूल किसी से भी हो सकती है, भूल कोई भी सकता है। हमारे रोशन सिंह सोडी साहब को देख लीजिए, एक महत्वपूर्ण चीज भूल गए, वो लंगर की तैयारी करना भूल गए। अब इस भूल से और कोई समस्या हो ना हो, और कोई नुकसान हो ना हो, लेकिन वक्त का नुकसान जरूर हो गया। जिस वक्त में लंगर की तैयारी करनी थी वो वक्त काफी बीत चुका है, लेकिन अब बचे हुए वक्त में तैयारी किस तरह की जाए ये बड़ा सवाल है। अब रोशन सिंह सोडी गोकुलधाम निवासियों के साथ ये तैयारी किस तरह करेंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात है, श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर गोकुलधाम में गुरबानी कीर्तन का आयोजन किया गया है। आप भी आइए, सुनिए गुरबानी कीर्तन और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।